खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्वागत, शाम के 6:30 बज रहे हैं और ये वक्त है दिन की बड़ी खबरों का पंचनामा करने का। हम 5 एंकर्स के साथ आतंकी मसूद अजहर पर चीन ने स्टैंड बदल दिया है, क्यों आगे आपके लिए। आज एबीपी न्यूज के मंच पर अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को लेकर बड़े दावे किए, क्या कुछ कहा आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर अपना नाम बदल लिया, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही करा है, क्यों बताएंगे आपको। और पूरा देश होली के रंग में डूबने लगा है, मथुरा से दिखाएंगे आपको होली के रंग। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज बिहार में एनडीए गठबंधन की सीटों का ऐलान हुआ। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीट एलजेपी के खाते में गई, वहीं शाहनवाज हुसैन की भी नाराजगी की खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नवादा सीट से पासवान की पार्टी एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी, वहीं शाहनवाज हुसैन की भागलपुर सीट से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। ऐसे में खबरें हैं कि नाराज शाहनवाज हुसैन महागठबंधन से बात कर सकते हैं। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी के खाते में 6 सीटें हैं। जेडीयू के पास सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा और गया जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। वहीं बीजेपी दरभंगा, बेगूसराय, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, मधुबनी, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर और पटना साहिब जैसी बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा और जमुई से उम्मीदवार उतारेगी। वहीं रामविलास पासवान खुद असम से राज्यसभा जाएंगे, यानी कि उनकी हाजीपुर सीट के लिए नया उम्मीदवार चुना जाएगा। अब इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी जान लीजिए। एनडीए अपने सीटों पर उम्मीदवार ऐलान की तैयारी कर रहा है, तो महागठबंधन सीटों की संख्या पर ही आर पार की लड़ाई में उलझा हुआ है। कांग्रेस गठबंधन में सीटों की लड़ाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पकड़े हुए है। वहीं दूसरी छोटी पार्टियों के सीट बंटवारे पर बात तक नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही उलझी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं। आरजेडी खुद दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, मोतिहारी समेत कई सीटों पर दावा कर रही है। तो महागठबंधन सीटों के बंटवारे पर उलझा हुआ है। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिनों में सीटों पर फैसला हो जाएगा। खबर ठीक है कि थोड़ी ऐसी स्थिति है और इसलिए विलंब भी हो रहा है, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। बड़ी पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा उदारता का परिचय देना होता है गठबंधन में। और हाल ही में कांग्रेस की महासचिव बनी प्रियंका गांधी मिशन यूपी के लिए लखनऊ पहुंची। कल से प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा की शुरुआत होगी। लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर महासचिव प्रियंका का स्वागत किया। प्रियंका वहां नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली और फिर कल से प्रियंका की गंगा यात्रा की शुरुआत होगी। उनकी यात्रा इलाहाबाद लोकसभा सीट के करछना इलाके के मनैया घाट से शुरू होगी। यहां से स्टीमर में बैठकर प्रियंका गांधी मिर्जापुर इलाके में प्रवेश करेंगी, जहां उनका विंध्याचल मंदिर से लेकर शीतला माता मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद 20 मार्च को प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगी। इस बोट यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी छात्रों से लेकर स्थानीय ग्रामीणों से मिलेंगी और छोटी छोटी सभाएं करेंगी। और आपको बता दें कि आज एबीपी न्यूज ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। एबीपी न्यूज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को बड़ा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगी। कांग्रेस के सम्मानित नेता होने के नाते उनको अपनी बातों को कहने का अधिकार है, शालीनता के साथ अपनी बात को कहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस परिदृश्य में कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं है। योगी ने प्रियंका के गंगा यात्रा पर भी निशाना साधा। कम से कम भारत का हर नागरिक को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि मोदी जी के द्वारा वाटर वे खोला गया और प्रियंका जी भी उसमें जा सकती हैं, राहुल जी भी जा सकते हैं, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए, मायावती जी को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए और मोदी जी की जय जयकार करनी चाहिए। और शिखर सम्मेलन में ही योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही यूपी में भी 74 सीटें जीतने का दावा किया। 74 प्लस के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक नोट कर लीजिए। 23 मई के बाद फिर हम मिलेंगे
74 प्लस भारतीय जनता पार्टी होगी, अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आसमगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी में ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। देखिए, यूपी में कांग्रेस भले ही एसपी बीएसपी के गठबंधन में शामिल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद की सीटें छोड़ दी हैं। इसके अलावा उन सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार नहीं होंगे जहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी नेता जयंत चौधरी और अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस गोंडा और पीलीभीत की सीट अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल के लिए छोड़ रही है। और आज एबीपी न्यूज के मंच पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इशारा किया है कि वो आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा और जब हमारे जो लोग हैं, कई जगह के लोकसभा के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूं, तो अखिलेश जी कंफर्म कीजिए ना आजमगढ़ से। नहीं, मैं भी कंफर्म नहीं करूंगा। वहाँ के हमारे संगठन के लोग और वहाँ का नेतृत्व तय करेगा, तब हम तय करेंगे। अखिलेश जी खबर दीजिए, वहाँ का नेतृत्व हाँ कह देगा तो मैं लड़ जाऊंगा चुनाव। वहाँ की जनता कहेगी लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा। देखिए, हालांकि अखिलेश यादव ने ये बात साफ कर दी है कि उनकी पत्नी पार्टी से, डिंपल यादव उनकी पार्टी से जरूर लड़ेंगी, तो लेकिन मुलायम परिवार की जो दूसरी बहू है यानी कि अपर्णा यादव, उनके लिए टिकट नहीं था। अपर्णा जी भी तो कह रही थी कि मुझे चुनाव लड़ना। मैंने इसलिए कि क्योंकि बीजेपी को बहुत मुद्दे ना मिल जाए कि परिवार से लड़ जाए चुनाव, परिवार बात ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने कहा नहीं लड़ सकते। अपर्णा चुनाव नहीं लड़ेंगी आपकी पार्टी जी? सीट नहीं है हमारे पास, गठबंधन में बहुत सारी सीटें चली गई। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा एसपी की टिकट से चुनावी मैदान पर नहीं उतरेंगी। हालांकि अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव ने वजह जरूर बताई। तो जब वो सवाल उठाने वाले परिवारवाद पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमने कहा हम भी क्यों करें, तो डिंपल ने कहा तो हमने उनका कहना मानना पड़ा। तो ये डिंपल का फैसला था कि वो चुनाव लड़े। अगर कोई भी कहेगा, अगर डिंपल अगर कहेंगी तो कौन नहीं मानेगा। और अब बात चौकीदार की। चौकीदार, देश की राजनीति फिलहाल इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। कल बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की। अब पीएम से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक सभी ने इस कैंपेन को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर होम पेज है। अब जरा उनके नाम पर गौर कीजिए, लिखा है चौकीदार नरेंद्र मोदी। कुछ इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा। कुछ इसी तरह से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का चौकीदार पर निशाना जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, भाई साहब ये चौकीदार बड़ा हाईफाई है, बड़े बंगले में रहता है, बड़ी गाड़ियों में घूमता है, महंगे सूट पहनता है। सच में ये वाला चौकीदार काम पर रखने लायक नहीं है, बहुत महंगा पड़ गया है देश को। तो एक तरफ बीजेपी मैं भी चौकीदार मुहिम चला रही है, वहीं एबीपी न्यूज के मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा देश में अब चाय वाले की एक पोस्ट खाली हो गई है। अमित शाह ने और मोदी जी ने अपने नाम के आगे ट्विटर अकाउंट पर चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी और चौकीदार अमित शाह लिख दिया। जब चाय वाली जगह खाली है तो चाय वाला लिखूंगा मैं, और फिर इसलिए चाय वाला लिखूंगा मैं खुद दूध वाला हूँ। यही दिलचस्प तस्वीर होती है भारतीय चुनाव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एक और अहम खबर, आतंकी मसूद अजहर के मामले में चीन का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। चीन के राजदूत ने कहा कि जल्द मामले का हल निकलेगा। नई दिल्ली में मौजूद चीन दूतावास में होली के रंग बिखरे, तो साथ ही चीन के राजदूत लियो जेंगहुई ने भी एक मिठास से भरी खबर सुना दी। आतंकी मसूद अजहर के मामले में उन्होंने कहा जल्द निकलेगा हल। Believe this matter, concern from your side, we understand that, and optimistic, quite sure this matter will be resolved. And this is only technical holding, and that means need a little time for the continued consultation. भारत जहां मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने को लेकर दबाव बनाए हुए है, वहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मसूद के मुद्दे पर खुली बहस के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं।
अब खबर उस हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुई फायरिंग में 7 भारतीयों समेत 50 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मस्जिद में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को क्राइस्ट चर्च के पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों में वडोदरा के वोरा समुदाय के रमीज वोरा और आसिफ वोरा भी शामिल हैं। भरूच के रहने वाले हाफिज मुसावली की भी इस हमले में मौत हो गई। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुई फायरिंग में घायल हैदराबाद के फराज हसन और करीम नगर के इमरान अहमद खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हैदराबाद के औजर खादर की भी जान चली गई। इस हमले में केरल की रहने वाली अंशी की भी मौत हो गई। अंशी न्यूजीलैंड में एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। इस हमले को अंजाम देने वाले आरोपी आतंकी ब्रेंटन टोरेंट पर हत्या का आरोप तय किया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देश को जल्द ही पहला लोकपाल मिल सकता है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष कल आधिकारिक तौर पर पहले लोकपाल घोषित हो सकते हैं। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने जस्टिस पिनाकी का नाम तय कर उनकी सिफारिश की है। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस घोष के आधिकारिक लोकपाल चुने जाने का ऐलान कल हो सकता है। बता दें कि जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। और इस बीच राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है, उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से भी, एमएनएस अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे ने यह फैसला किया है कि लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। सोशल मीडिया पर ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में विधायक दिव्या मदेरणा महिला सरपंच का अपमान करती दिखी। कुर्सी पर बैठी है राजस्थान के ओसियां की कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा है और लाल रंग की साड़ी पहने उनके पास बैठने आई ये महिला खेतासर गांव की सरपंच चंदू देवी है। चंदू देवी जैसे ही कुर्सी पर बैठने वाली थी कि विधायक जी ने उन्हें रोक दिया और नीचे बैठने का इशारा किया। विधायक के कहने पर महिला सरपंच चंदू देवी बिना किसी आपत्ति के पुरुषों के बीच जमीन पर बैठ गई। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही विरोधी मदेरणा पर महिला होकर महिला के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम इस समय बर्फ से ढका हुआ है। लगातार जनवरी से यहाँ बर्फबारी जारी है। ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर का दृश्य है। बद्रीनाथ धाम मखमली बर्फ की चादर से ढका हुआ है। जहां नजर घुमाओ वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस समय मंदिर के कपाट बंद हैं और पूरे मंदिर में 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 10 मई को खुलने जा रहे हैं और धाम में अभी भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहां तापमान अभी भी -7 से -8 डिग्री है। रास्ते पूरी तरह से ग्लेशियर और जबरदस्त बर्फ के कारण हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक बंद है। हालांकि बर्फ हटाने का काम जारी है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, लेकिन आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम? मौसम का सटीक अनुमान बता रही है भूमिका। नमस्कार, मैं हूं भूमिका और आप देख रहे हैं स्कैमेट वेदर रिपोर्ट। देश के मध्य और पूर्वी भागों पर कन्फ्लुएंस जोन बना हुआ है, जिसके कारण इन भागों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इन राज्यों के रीवा, सतना, सागर, सरगुजा, बिलासपुर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर और बोकारो में आज बारिश के साथ आंधी चलने और बादलों की तेज गर्जन होने की घटनाएं देखने को मिली। कहीं कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक भी हुआ है। बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कई शहरों में दिन में पारा 2 से 4 डिग्री नीचे चला गया। दूसरी ओर दिल्ली, आगरा, मेरठ, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, चूरू सहित राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिन में शहरों के तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। अब आपको दिल्ली के मंडोली जेल का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कुख्यात गैंगस्टर रुस्तम ने खुद बनाया। वीडियो में नजर आ रहा ये कुख्यात अपराधी रुस्तम है। वीडियो में उसके साथी जेल के अंदर मजे में हंसी मजाक करते और चाय पीते पिलाते दिख रहे हैं। रुस्तम ने वीडियो में ये दिखाया कि वहाँ कैसे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।
कैदियों को हीटर, सोने के लिए बढ़िया बेड और अलग कमरा, पनीर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।